हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ईद का दिन है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम याद आज बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक की ये रहमत है कि मतलब ऐसे होते हैं जब भी ईद का दिन आता है तो मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है, बादल आ जाते हैं, दो तीन दिन पहले ही मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों ने कुर्बानी करनी होती है, बाहर बैठना होता है, क्योंकि हर कोई तो अंदर नहीं कर सकता ना, जाहिर है बाहर गर्मी में करना पड़ता है। और यहाँ भी अच्छे बादल आ गए हैं। पाकिस्तान में तो आई थिंक कल ईद है, आज यहाँ ओमान में, दुबई में, सऊदी में ईद है। और तो इब्राहिम भी रेडी हो चुका है और हमने आज दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। यार हमारा रंग मैच नहीं हो रहा है ना इब्राहिम, तो इब्राहिम और मैंने सेम सूट पहना हुआ है, बिल्कुल सेम कलर है, सेम कपड़ा है, सब कुछ सेम ही है। और इब्राहिम अब अच्छे लग रहे हो बाबा, अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं आपको। तो यार लॉकडाउन ने सारा काम ख़राब कर दिया, क्योंकि एक तो जो परदेसी होते हैं बेचारे, वो उनकी ईद वैसे भी घर में गुजरती है, सो भी गुजरती है, लेकिन उन्होंने मज़ीद आप और काम ख़राब कर दिए कि जो मतलब फुल लॉकडाउन, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया, फुल लॉकडाउन चल रहा है, 4-5 दिन सब कुछ बंद है, बाहर नहीं निकल सकते। तो हमारी एक ही बिल्डिंग है, हमारा घर और हमारा जो मेरा ससुराल है वो एक ही घर है, मतलब नीचे एक ही बिल्डिंग है, नीचे उनका घर है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और हमारा जो लंच डिनर इंशाल्लाह वहीं पर होगा, वहाँ पर आज कुछ स्पेशल बन रहा है। तो हमने इस चीज़ पे सोचा है कि खाना और सोना ही है ना, और तो कुछ करना नहीं है। तो हमने सोचा है कि एक एक दिन सब की बारी है, आज वो खाना बना रहे हैं, फिर कल एक किसी और पार्टी की बारी है, और परसों इंशाल्लाह हमारी बारी होगी, और हम जो बनाएंगे वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। बाकी मजीद गप शप बातें खाना सब वहीं पे होगा, तो चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं इब्राहिम की नानी अम्मा के घर, यानी कि वलीद के घर। हेलो वलीद। हेलो। तो अभी भी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, अपने खाना खाया है, खाने में बने हुए थे पाए जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म के पाए थे। मैंने तो सिर्फ शोरबा खाया क्योंकि बोटियाँ छोटियाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं पाएगी, और मैंने साथ में थोड़े से राइस खाए हैं। और बाकी अभी फ़ोटो सेशन होने वाला है, अभी हम जाएंगे छत पे क्योंकि वहाँ पे थोड़ी तस्वीरें अच्छी आएंगी, तो वहाँ पे जाके फ़ोटो सेशन होने वाला है। तो गाइज अभी हम आए हैं छत के ऊपर, लास्ट टाइम जब तूफ़ान आया था यहाँ पे, बोले 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले यहाँ पे आया तूफ़ान, इस तरह का तूफ़ान पहली दफ़ा आया था। इतना नुकसान हुआ है लोगों का, ये जो हमारी छत थी, पूरा हमने गार्डन बनाया हुआ था, इसका हाल ये हो गया था। यहाँ से जो हमने शेड लगाए हुए थे, यहाँ पे सारा कवर एरिया था, यहाँ से लेके ये सारा वहाँ तक पूरा कवर एरिया था, लेकिन छत का हाल देखें, छत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब तकरीबन टूटने वाली हो गई थी। ऊपर जो शेड, वो छत थी वो नहीं टूटा, लेकिन ये जो सीलिंग की हुई थी ये बिल्कुल ही फारिग हो गई थी, टूट गई थी, नीचे गिर गई थी। बाकी लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, मतलब कुछ शेड्स लोगों ने बनाए हुए थे, जैसे ये साथ एक घर है वहाँ पे, उस बंदे ने शेड बनाया हुआ है, नीचे उसकी मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, तो उसका वो बिज़नेस है, उसका पूरा शेड जो था वो ऐसे उड़ के चला गया था, लोगों के घर के जो गाड़ी के शेड्स थे वो उड़ के मतलब टूट गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ था, कुछ पानी आ गया, शॉप्स के जो थे मतलब बोर्ड्स वगैरह वो गिर गए थे, घरों में भी लोगों में पानी चला गया था। तो हमारी ये छत, ये भी बहुत डैमेज हुई थी, लेकिन अभी इसको बनवाना है, क्योंकि अभी मौसम इतना अच्छा नहीं है, हम ऊपर आते नहीं हैं, तो इसलिए अभी ऐसी की ऐसी खड़ी हुई है, जैसे मौसम कुछ अच्छा आएगा, सर्दी आएगी, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह बनवाएंगे। और कुर्बानी की ईद कैसी गुजर रही है, ईद कैसी गुजर रही है? बोरिंग करने के लिए है नहीं, जो था वो कर लिया। तो अभी हम खेलने लगे हैं गेम और खाने लगे हैं फालूदा। ईद कौन सी गेम खेल रहे हैं हम? GTA खेलेंगे, फिर टेकन खेलेंगे, फिर फीफा खेलेंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो यार अभी मैं बनाने लगा हूँ फालूदा, जो कि होममेड फालूदा है, उसके लिए सब कुछ आ चुका है। ये हैं सबसे सरसवैयाँ, और ये है होममेड रबड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीज्ड है। बहुत है awesome. बस
चलो यार ये मैं एक और पहला बना रहा हूँ, अभी तब खाओगे? मैं अपनी खुद बनाऊंगा। अपनी खुद बनाओगे? ये रबड़ी डल गई और अब ये शीरा, एक चम्मच और ये दो चम्मच, उसके बाद थोड़ी सी जमशेरी मिक्स कर देंगे। ये जमशेरी रोज एक ही चीज़ नहीं होती, फर्क है लेकिन नाम से बस ज़्यादा होता है। कॉमन दोनों दोनों होते, दोनों कॉमन है लेकिन नाम बस उसका जमशेरी ज़्यादा मशहूर है। वो ज़्यादा हो गया, ये हो गया और इसके बाद बस। और ये आपका होममेड फलूदा तैयार हो चुका है और हम इसको नोश फरमाएंगे। बिल्कुल चाह रहे अभी अच्छी तरह से तेल कुछ कच्चा पक्का आ रहा है, जोर लगाते हुए कच्चा पक्का आ रहा है। यार जो गाड़ी थी हमारी वो गिर गई एक खाई में और बेचारे को अब अपने टारगेट पे जाने के लिए भागना पड़ गया और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है और हमने जीट लगा के साइकिल ले लिया कि कब हम अपने जगह पे पहुँचेंगे। यार साइकिल जैसे था पैदल भाग रहा था। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर अब इशा की नमाज़ भी हो गई है, थोड़ी देर हम बैठ रहे गपशप करते रहे। तो अब खाना हो चुका है रेडी। खाने में आज क्या क्या बनाया है हमारे पास मिस्टर फुल्तान, मिस्टर फुल्तानों ने खाना बनाया आज। तो खाने में आज जो हमने बनाया हुआ है ये है राइस बने हुए हैं और राइस के साथ हमने दो किस्म के रायते बनाए हैं क्योंकि इसको हम आज मंदी करी खाने वाले हैं। इसमें है ये रेड चटनी टमाटर की जिसकी बनती है, ये रायता है और ये कचुमर सैलड और ये जो है ये जब मंदी खाते हैं उसके ऊपर डालते हैं। इसमें किशमिश है, काजू हैं और ये प्याज हैं। तो ये गैस गैस हमने रख दिए हैं और अब आ रही है बारी रान रोस्ट की। रान रोस्ट तो गाइस खाना हमने खा लिया, फ्री हो गए और फिर हमने सोचा आपको एक गेम खेली जाए ताकि जो हम बोरियत है उसको ख़त्म की जाए। तो भी हमने मोनोपोली खेली है और टाइम बच गया है तकरीबन एक का। अभी तक गेम चल रही थी लेकिन अब एक बज गया तो हम जा रहे हैं घरों को। घर जाते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं और सुबह फिर उठना भी है, नमाज़ के लिए भी उठना है, सुबह नमाज़ पढ़नी है तो फिर उसके लिए उठा नहीं जाएगा। और यार जो रान बना हुआ था ना आज, खाना जो बना हुआ था ना, समझ लें यकीन करें इतना आला खाना बना कि ऐसा हमने बाहर से भी कभी नहीं खाया। वो जो रान रोस्ट था उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे स्टीम पर वो बना है, उसके बाद फिर राइस बने हैं और सारा मेन्यू मतलब जो सारी चीज़ें थी वो आपने देखी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। दोपहर को पाए थे वो बड़े आला किस्म के थे, हालांकि यहाँ आज कुर्बानी नहीं थी, गोश्त नहीं था लेकिन हमने पहले ही मतलब इंतज़ाम कर लिया था कि हमने सामान लेना है। कुर्बानी जो है वो सारे सबके पाकिस्तान में ही हो रही है, कल इंशाल्लाह होगी, मतलब आज होगी। एक तो बच गया रात का तो अभी हम जा रहे हैं घर और ईद ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तो आप कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहूँगा इस मोनोपोली गेम में ना मुझे लूटा गया, ठीक है, मैं जीतने के इतना करीब था और फिर सबका मूड हो गया कि चलो बस भाई घर चलो घर चलो, बहुत टाइम हो गया तो बस लूट लिया गया मुझे और कुछ नहीं कर रहा। चलो गेम वैसे अभी चल रही थी, एक घर पड़ा हुआ है, ब्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं। तो इजाज़त दें, चलते हैं घर को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि सब्सक्राइबर्स काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं, वॉच करते हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। यार घर कहाँ पर है?